हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इंडिया शांति कॉलेज ऑनलाइन क्लास। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 13, ट्रैप्ड बाय अ टाइगर। एट द आउटसेट लेट मी मेक इट क्लियर टू द रीडर, जो पोएट है वो ये कह रहा है कि मैं क्लियर कर देता हूँ ये चीज़, दैट आई एम नो हीरो, मैं कोई हीरो नहीं हूँ, एदर इन फिक्शन और नॉट इन रियलिटी, ना इस फिक्शन में हूँ ना ही रियलिटी में हूँ। आई हैव नेवर यूज अ गन इन माई लाइफ, मैंने अपनी लाइफ में कभी भी गन का यूज़ नहीं किया। एक्सपेक्ट ऑन द शूटिंग रेंज एट स्कूल, सिर्फ स्कूल जो स्कूल में शूटिंग रेंज थी उस टाइम को छोड़ के। वेयर आई यूजली मिस द टारगेट बाई सेवरल फीट, जब भी मैं अपना टारगेट मिस कर लेता था। ऑल्दो आई ग्रो अप इन एन एज वेन हंटिंग वाइल्ड एनिमल्स वॉज अ पास टाइम दैट वॉज सपोज टू प्रूव वंस मैनहुड, आई डेवलप एन अर्ली अवर्जन टू द सो कॉल्ड स्पोर्ट्स ऑफ किंग। इफ़ माई कजन एंड देयर फ्रेंड्स कॉल मी अ कॉवर्ड, आई वॉज नॉट रियली बॉदर्ड, द एक्सटेंट ऑफ देयर ब्रेवरी सीम टू डिपेंड लार्जली ऑन द साइज ऑफ गन्स दे हेल्ड। जो उसके कजन वगैरह थे वो उसे डरपोक कह के बुलाते थे, लेकिन वो ये नहीं सोचता था कि जो गन की साइज होती है वही बहादुरी शो करती है, वो ये चीज़ नहीं सोचता था। ऑल द सेम एट एज ऑफ 12, जब वो 12 साल का था, आई वॉज प्रेजुडाइज माई वन ऑफ माई अंकल्स टू अकम्पनी हिम एंड हिज फ्रेंड्स ऑन अ वीकेंड शेकर इन द फॉरेस्ट नियर धैरा। उसके जो अंकल थे वो उसे एक वीकेंड पे ले गए शिखर इन द फॉरेस्ट नियर धैरा के पास, एक जंगल था, स्मॉल नॉर्थ इंडियन टाउन वेयर माई ग्रैंड पेरेंट्स हैड सेटल। वहीं पर एक स्मॉल टाउन था जहाँ पे उसके ग्रैंड पेरेंट्स थे, यानी कि दादाजी और दादी। दिस फॉरेस्ट वर द फेरी वेल पॉपुलेटेड बाय द टाइगर्स अदर बिग कैट्स वाइल्ड एनिमल्स एंड वेरियस स्पीसीज ऑफ डियर। उस जंगल में बहुत ही उधर टाइगर थे और बड़ी बड़ी कैट्स थी और जंगली एलिफेंट थे और स्पीसीज थे डियर हिरन वगैरह थे। दे सेट अप देयर हेडक्वार्टर्स एट अ स्मॉल फॉरेस्टेस्ट हाउस इन द हार्ट ऑफ जंगल एंड फ्रॉम एयर द हंटर सेट आउट अर्ली एवरी मॉर्निंग। उन्होंने वहीं पे अपना हेडक्वार्टर वहीं पे बनाया, मतलब वहीं पे वो रहते थे और शिकार करते थे डेली मॉर्निंग के टाइम पे। ऑफ्टन ऑन एनिमल्स टर्निंग लेट इन द आफ्टरनून वेल इन टाइम फॉर द इवनिंग विस्की सोडा। तो वहाँ पे वो जंगल के पीछे बीच वहीं पे रहे और वो मॉर्निंग में गए शिकार पे और शाम को आए। टू अवॉइड बोर्डम आई हैड ब्रॉट अ कपल ऑफ बुक्स अलॉन्ग, वो अपने साथ में किताबें लेके गया। द हंटर्स डिड नॉट प्रेस मी टू जॉइन देम ऑन देयर फॉरेस्ट इन टू द जंगल एंड आई वॉज ग्रेटफुल टू देम फॉर दैट। और जो शिकारी थे उन्होंने उसको प्रेज नहीं किया, जोर नहीं दिया कि तुम्हारे साथ चलो, वो उसे नहीं लेके गए। आई वॉज लेफ्ट विद सैंडविचेस एंड अ थर्मोस ऑफ टी एंड टोल्ड नॉट टू स्ट्रे फ्रॉम द रेस्ट हाउस। उन्होंने उसको सैंडविचेस उसके लिए छोड़ दिए और वहीं पे चाय छोड़ दी थर्मस में और कहा कि तुम इसे खाओ पियो और तुम इस रेस्ट हाउस के बाहर नहीं जाना। द केयर टेकर आर रिटायर्ड फॉरेस्ट गार्ड लिव इन अ हट एट द अदर एंड ऑफ द क्लियरिंग एंड आई वॉज टू कॉल आउट टू हिम इफ आई नीडेड एनीथिंग। उन्होंने बोला कि कुछ भी चाहिए हो तो इस जो हाउस है रेस्ट हाउस के बाहर एक हट में गार्ड रहता है, तो उससे जो भी चीज़ तुम्हें चाहिए तुम उससे कह सकते हो। इट्स परफेक्टली सेफ हियर सेड अंकल जिम, अंकल जी ने बोला कि तुम यहाँ पे सेफ हो। जस्ट डोंट वेंचर इन टू द फॉरेस्ट ऑन योर ओन। आई वॉज क्वाइट हैप्पी टू सी द हंटिंग पार्टी मार्च ऑफ इन टू द जंगल, वो खुश था कि वो सब लोग शिकार पे जा रहे हैं, मतलब थोड़ा खुश था। दे वुड बी मेट बाय द एलिफेंट्स टू अनदर हाल्ट। आई सेटल्ड इन टू एन आर्म चेयर ऑन द वरंदा, वो वरंदा में जाके चेयर पे बैठ गया। रीड अ लिटिल, कुछ देर पढ़ा। एट ए सैंडविच केप्ट ऑन फॉर लेटर एंड देन फीलिंग ड्रोजी इन द हॉट अप्रैल सनशाइन डस्ट ऑफ। और वो वहीं पे सैंडविच वगैरह खाने लगा और उससे बहुत ज़्यादा वहाँ पे गर्मी महसूस होने लगी। आई मस्ट हैव स्लेप्ट फॉर 10 or 15 minutes, वो 10 से 15 मिनट के लिए सो गया। व्हेन आई वोक अप, फिर जब मैं उठा,
देयर वॉज अ स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ एनिमल्स इन द एयर, सो हवा में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल आई. आई डिड नॉट हैव टू लुक फार टू सी वेयर इट कम फ्रॉम, मैं बहुत दूर तक नहीं देख पा रहा था कि कहाँ से आ रही है. स्टैंडिंग इन द मिडल ऑफ द क्लियरिंग, बाहर की तरफ वो बीच में खड़ा हुआ, सम 30 to 40 meters अवे, कुछ 30 से 40 meter की दूरी पे, एंड लुकिंग डायरेक्टली एट मी वॉज अ मैसिव टायर, उसने एक मैसिव टायर दिखाई दिया, ए मॉन्स्टर्स टायर आई शुड से, बिकॉज दैट इट दैट वॉज हाउ इट अपियर टू अ 12-year-old. उसने बोला कि आई शुड से, बिकॉज उसने बोला कि मैं कैसे कह दूँ कि मैं तो 12 साल का हूँ, कैसे. आई न्यू आई वॉज नॉट ड्रीमिंग बिकॉज आई कुड हेयर माई हर्टिंग थम्पिंग वेरी लाउडली, उसने बोला कि मैं, मुझे पता है कि मैं कोई सपना नहीं देख रहा हूँ क्योंकि जो उसकी हार्ट बीट थी वह तेज़ तेज़ हो गई थी. द टाइगर वॉज साइलेंट, टाइगर एकदम शांत था. इट वॉज वॉचिंग मी स्पेक्चुलेटिवली परहैप्स सर्टेनली विद इंटरेस्ट बट नॉट आउट ऑफ एनी फीलिंग्स ऑफ फ्रेंडलीनेस, वो उसको सिर्फ देख रहा था और उसको मतलब उसके अंदर कोई भी फीलिंग नहीं थी फ्रेंडशिप वाली, ऐसी कोई फीलिंग उसके अंदर से निकल के नहीं आ रही थी. इट हैड जस्ट बीन ड्राइवन आउट ऑफ द फॉरेस्ट बाई ए बंच ऑफ नॉइजी शिकारीज एंड इट्स डिड नॉट लाइक द लुक ऑफ मी, और परहैप्स इट डिड नॉट लाइक द लुक ऑफ मी. ब्रंच इफ नॉट लंच हैड नॉट देयर बीन रूमर्स ऑफ अ मैनेटर टेररिजिंग द विलेजर्स इन द नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट. आई गॉट आउट ऑफ माई चेयर वेरी क्वाइटली, वो अपनी चेयर खिसका आता है, डैश इन टू द लिविंग रूम, और लिविंग रूम में जाता है, शट द फ्रंट डोर और सामने का दरवाज़ा बंद कर देता है, एंड बोल्ट इट. आई देन वेंट टू नियरेस्ट विंडो एंड पेयर आउट ऑफ विंडो के पास जा रहा है. टाइगर हैड एडवांस्ड अ फ्यू स्पेसेस, वो कुछ स्टेप्स रखता है. टाइगर राइजिंग इट्स हेड, इट स्नेप एट द एयर, ऊपर की तरफ मतलब अपना हेड करता है और सूंघने के लिए सूंघता है, ऐसे सूंघता है. इट वॉज ऑब्वियसली इन चार्ज ऑफ द सिचुएशन, वेयर वॉज द फॉरेस्ट गार्ड, उस सिचुएशन में जो फॉरेस्ट गार्ड थे वो कहाँ चले गए, वेयर वर अंकल जिम कहाँ गए, हिज ग्रेट हंटर्स जो उनके हंटर्स हैं शिकारी हैं वो कहाँ चले गए. नेवर बिफोर आई फेल्ट सो अलोन एंड सो अबैंडन, वो बोलता है कि इससे पहले मैंने अपने आप को इतना अकेला महसूस नहीं किया. मैंने रियलाइज दैट आई वॉज स्टेजिंग आउट ऑफ एन ओपन विंडो, से रियलाइज किया कि मैंने विंडो ओपन की उसने, आई शट इट क्विकली, जल्दी से बंद कर दी. इट वॉज नॉट अ वेरी लार्ज विंडो, इतनी बड़ी विंडो नहीं थी, नॉट बिग एनफ फॉर अ टाइगर टू गेट थ्रू, मतलब बट आई रिमेम्बर दैट वेयर अदर लार्ज विंडोज इन दी बिल्डिंग, उसने बोला उसमें से तो टाइगर नहीं आ पाएगा, लेकिन पूरी बिल्डिंग में एक और विंडो थी जिससे वो अंदर आ सकता था. एंड द टाइगर हैड टर्न अवे फ्रॉम द वरंदा एंड वॉज बिगनिंग टू द सर्कल द हाउस, लेकिन वो वरंदा में चला गया और फिर घर के बिगनिंग में चला गया और मतलब चारों तरफ घर के घूमता रहा. ऑल्दो कंफ्यूज एंड पैनिक स्ट्रिकन, मतलब एकदम वो कंफ्यूज था. आई रिमेम्बर दैट द बैक डोर ऑफ द बाथरूम हैड बीन लेफ्ट ओपन, वो जो बाथरूम का पीछे का दरवाज़ा था वो उसको बंद करना भूल गया था. आई लेफ्ट द लिविंग रूम, मैं लिविंग रूम से गया, डैश इन टू वन ऑफ द बेडरूम्स, टर्म इन टू द बाथरूम एंड शट द डोर विद अ बैंग, मतलब दूसरे रूम के बाथरूम से उसने जाके दूसरे रूम में गया, उस रूम में जाके उसने बाथरूम का दरवाज़ा बंद कर लिया. द नॉइज वॉज मस्ट हैव स्टार्टल द टाइगर, मतलब उसको फिर टाइगर को आवाज़ आई, बिकॉज ही लेट आउट एंड एंग्री, और वो गुस्से में हो गया और दहाड़ने लगा. यू नो द टाइगर द काइंड ऑफ साउंड अ हंगरी टाइगर मेक्स, इस ऐसे साउंड कौन करता है जो भूखा शेर होता है, भूखा टाइगर होता है. यू हेयर इट ऑफ्टन एनफ व्हेन यू विजिट द ज़ू, ये सब आपने ज़ू में देखा होगा. वॉज द अदर बाथरूम डोर शट, आई रेस्ड अक्रॉस टू द सेकेंड बेडरूम, देयर वॉज अ कम्युनिकेटिंग डोर एंड इन टू द बाथरूम, और वो दूसरे कमरे के गया और वहाँ से जाके उसने दरवाज़ा बंद कर दिया. द बैक डोर वॉज शट बोल्ट, आई वॉज ट्रेम्बलिंग ऑलमोस्ट क्राइंग विथ रिलीफ, बट हाउ मैनी डोर्स एंड विंडोज डिड द क्रेजी बंगलो हैव, उसने बोला कि कितने सारे इसमें डोर और विंडो हैं,
बैक इन द बेडरूम, फिर से वापस गए बेडरूम में वो। आई सैट डाउन ऑन अ बेड एंड ट्राई टू पुल माई सेल्फ टुगेदर, वो जाके बैठ गया। व्हेन आई लुक अराउंड, उसने देखा चारों तरफ, आई नोटिस दैट द बेडरूम विंडो वॉज हाफ ओपन, देखा कि उसने कि जो बेडरूम की विंडो है वो आधी खुली हुई है। एंड इट वॉज अ फेली लार्ज विंडो विदाउट बार्स। आई क्रेप्ट अप इनटू एंड पीप ओवर द सेल, जो विंडो जो बेटा वो नहीं होती दरवाजे के ऊपर एक जंगला टाइप का होता है, वो जो खिड़की थी वो थी। आई कुड स्मेल द टाइगर वॉज इन द बैकयार्ड, टाइगर जो था वो बैकयार्ड में था, मच क्लोजर टू द हाउस, घर के एकदम करीब। आई कुड स्मेल इट, वो उसको सुन सकता था। इस आउटडोर कम टू मी ऑन द ब्रिज इन हॉल वॉल कस्ट अ सिकनिंग आउटडोर एंड वन दैट आई शैल नेवर फॉरगेट। सॉफ्टली आई क्लोज द विंडो एंड बोल्टेड, उसने आराम से विंडो बंद किया। दिस विंडो हैज फोर पेन्स ऑफ ग्लास सपोर्टेड बाय वुडन फ्रेम्स, जो जो खिड़की थी वो वुडन के फ्रेम से बनी हुई थी लकड़ी के। आई वॉज श्योर द टाइगर कुड स्मैश थ्रू इट, उसने बोला सोचा कि टाइगर तो एक स्मैश में इसको तोड़ भी सकता है। बट व्हेन आई लुक आउट आई कुड सी द बीस्ट, परहैप्स इट हैड मूव ऑन सीन समथिंग एज रिटर्न टू द फॉरेस्ट, उधर देखते रहा और फिर लगा कि वो वापस जंगल की तरफ जा रहा। आई थिंक आई एम सेफ नाउ, उसे लगा कि अब वो सेफ है। आई रिमेंबर सेइंग थिंग दिस टू माई सेल्फ एज आई रिटर्न टू द लिविंग रूम, वो अपने आप से कि वो कहने लगा कि वो रूम में वापस जाए। जस्ट देन देयर वॉज अ हैवी थंप ऑन द फ्रंट डोर, तभी थप्पड़ पड़ने की आवाज़ आई डोर पे, followed by an angry snarl. I could hear the beast claws rasping against the wooden door. I leapt to the barred window and put my face to the glass. glass ki taraf kiya, sheeshe ki taraf, and was just able to see a portion of the terrible creature as it examined and tested the door of the bungalow. I was at my wit and shaking all over, but I had to do something. High up on the living room wall was a small skylight opening onto the roof. If I could get to it, I could climb on the roof. I had be safe up there. तो वो बच्चों खिड़की से वहाँ पे आता है, मतलब वो ये सोचता है कि मैं छत पे कैसे भी पहुँच जाऊँ और छत पे चढ़ के मैं बच सकता हूँ। आई पुल द डाइनिंग टेबल अक्रॉस द रूम, वो डाइनिंग टेबल में धक्का मारता है। देन आई प्लेस अ स्मॉलर टेबल ऑन द टॉप ऑफ इट, आई हैव द केन चेयर अपॉन ऑन द एडिफिस एंड क्लाइम अप ऑन द वॉबलिंग चेयर, और वो क्या करता है उसके ऊपर एक टेबल रखता है, फिर उसके ऊपर एक चेयर रखता है और जो हिलने वाली होती है और चढ़ने की कोशिश करता है। मीनवाइल द टाइगर वॉज मेकिंग एंड awful dent, thrusting against the door with all its weight and tearing at the wood with its powerful claws. जो टाइगर था वो चीरता है उस दरवाजे को अपने पंजों से, लकड़ी जो थी इसको पूरा फाड़ने की कोशिश करता है। I got the skylight upon and climbed through, वो skylight देखते जहाँ से वो ऊपर जंगला जो रोशनी आती है वो उसके उधर उसकी तरफ चढ़ता है वहाँ से। I was out on the flat roof of वो बंगलो की छत पे पहुंच जाता है, a good 30 feet above ground level, ground level से 30 feet ऊपर होती है। At the same time there was a tremendous crash as the door gave way, the tiger was in the living room, वो क्या करता है उसको तोड़ के दरवाजे को, टाइगर लिविंग रूम में आ जाता है। I looked down through the open skylight as it circled the small room, वो स्काईलाइट से ऊपर से देख रहा होता है वो रूम में होता है। लैशिंग इट्स टेल, उसकी पूंछ उसे दिखाई देती है। नॉकिंग ओवर टेबल्स एंड चेयर्स, ओवर टेबल चेयर को पटक रहा होता है। इट स्टूड अप विद इट्स पॉज अगेंस्ट द वॉल एंड स्टार्ट अप एट द स्काईलाइट, इट अपर लिप वॉज रेस्ड एक्सपोजिंग एनॉर्मस फैंग्स, इट आईज अपीयर टू अ ग्लेरिंग into mine, but in that confined space it did not could not maneuver itself into position to make a big enough leap for the skylight.
In its rage and frustration, it turned its attention to my thermos flask and picked right through it. उसका ये सब करते करते धीरे धीरे उसका अटेंशन जाता है जहाँ पे उसका थर्मस वगैरह रखा होता है और उसकी सैंडविच रखी होती है उस तरफ. एंड देन इट डिस्कर्स्ड इट चार्ज आउट ऑफ द लिविंग रूम एंड एमर्ज वंस मोर इन टू द क्लियरिंग. आई वॉच इट फ्रॉम द रूफ. अब रूफ छत से उसको देख रहा होता है. लेट इट आउट अ रोर सच अ रोर ऑफ रेंज दैट ऑल द बर्ड्स फ्लू आउट ऑफ द ट्री. अति तेज वो दहाड़ता है कि जितने भी पेड़ पे बर्ड्स बैठी होती हैं वो सब उड़ जाती हैं. क्राइंग आउट इन अलार्म एट द सेम टाइम देर वॉज द साउंड ऑफ अ गन बींग फायर्ड. उसी समय उसको एक फायर की आवाज़ आती है, गन से फायर होती है, उसको साउंड सुनाई देती है. एंड द फॉरेस्ट गार्ड एमर्ज फ्रॉम बिहाइंड हिज हंटमेंट रिलोडिंग एज ही एडवांस. जो उनका तंबू होता है वहाँ पे उनका जो गार्ड होता है वो आ जाता है. द टाइगर हु न्यू ऑल अबाउट गन्स टर्न अवे फ्रॉम द बंगलो एंड वेंट बॉन्डिंग अवे टूवर्ड द शेल्टर ऑफ द जंगल. और जैसे वो ये साउंड सुनता है वैसे वो वहाँ से चला जाता है जंगल की तरफ. द गार्ड फायर अगेन. फिर से वो गार्ड फायर करता है बट द टाइगर वॉज फेल आउट ऑफ ए रेंज बाय देन. तब तक वो वहाँ से बाहर निकल चुका होता है टाइगर. आर यू ऑल राइट बाबा आज द गार्ड. गार्ड बोलता है क्या तुम ठीक हो. आज एज ही हेल्प मी डाउन फ्रॉम द रूफ. और उसको हेल्प करता है छत से उतारने में. आई थिंक सो आई सेड बट दैट टाइगर वॉज रियली आफ्टर मी. It's new to our range, he said. It could be the miniature we have heard about. I will sit here on the veranda until the other are back. वो सब कुछ उससे बताता था कि बरामदा में बैठा था तो ऐसे से हुआ. And one or two later, the hunters return a very bunch. तभी शिकारी जो और होते हैं वो वहाँ पे वापस आ जाते हैं एक घंटे बाद. They had not shoot anything except for a few फिसेंस. वो खाली फिसेंस बर्ड का शिकार करते हैं जो कि मोटी होती हैं और लंबी उनकी पूछ होती है. बच्चे बर्ड्स होती हैं. दे लुक रैदर ऑफ फुलिश व्हेन दे हर्ड अबाउट द टाइगर विजिट एंड सॉ द डैमेज इट हैड डन. वो सब देखते हैं कि जो भी टाइगर ने वहाँ पे नुकसान किया होता है सारी चीज़ें वो देखते हैं. आई डिड नॉट से मच. वो कुछ नहीं कहता है बिकॉज आई वॉज स्टिल इन शॉक. वो क्या होता है शॉक में होता है. मैं शॉक में था. अंकल जिम वॉज ग्लैंड टू फाइंड मी अलाइव बट वरीड एट माई ग्रैंड पेरेंट्स वुड से वैन दे हार्ड अबाउट द इंसिडेंट. वो जो उसके ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं वो सब इंसिडेंट सुनते हैं तो उनको भी टेंशन हो जाती है. ही वुड नॉट टेल दैम विल यू ही बैग्ड योर ग्रैनी विल नेवर फॉरगिव मी इफ शी लर्न्स दैट आई लेफ्ट योर हेयर ऑन योर ओन. नेक्स्ट टाइम यू शुड कीप अ गन विथ यू. कहती है अपनी तरफ अपने पास तुम गन रखा करो. एडवाइस one of his companions but I have managed quite well without a gun all these years. लेकिन वो बिना गन के ही इतने साल गुजार देता है. It was some time before I could mention this incident to anyone. ये incident वो किसी से मतलब नहीं mention करता है. partly because of my promise to Uncle Jim. वो Uncle Jim से promise करता है. and partly because it took me some time to get over it. धीरे धीरे उसको टाइम लगता है इस इंसिडेंट से बाहर निकलने में. तो बच्चों आपको होमवर्क में इसके वर्ड मीनिंग करने हैं और ये स्टोरी अच्छे से देखनी है. ओके थैंक यू. हैव अ नाइस डे.